नमस्ते मैडम. नमस्ते सर. आइए मैडम आइए. नमस्कार मैडम. नमस्ते. आप चेक कर लीजिए. ओके मैडम. गर्ल्स कॉलेज में वो एग्जाम क्यों दे रहा है? उसे ध्यान से तो देखिए मैडम. बेचारी क्लास में फर्स्ट आती थी, एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए और तब से सारे एग्जाम्स में वो लड़की बोलती है और वो लिखता है. उधर देखिए मैडम, सिर्फ यही लड़की नहीं, उधर वेट कर रही उस अंधी बच्ची का भी पेपर यही लिखते हैं. और दोनों का अगर एक ही टाइम पर पेपर हुआ तो? अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है मैडम. सिरिशा. यस मैडम. जरा वो पेपर देना. एग्जाम लिखकर जाते समय ये पेपर उसे दे देना. मैडम क्या कहूं, किसने दिया? तुम्हारी दीदी ने दिया है. लेट्स गो. चल. अरे सुमति. हाय सर. तुम यहाँ? आज तुम्हारा भी एग्जाम है क्या? हाँ सर. इसी समय पर? हाँ सर. इसका भी केमिकल प्रैक्टिकल से है, तो तुम्हारा कैसे लिख पाऊंगा मैं? मुझे पता है सर, इसलिए मैंने चाचा जी को बुलवा लिया है. स्वाति का प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप है. इसी के साथ चले जाइए. ठीक है. गुड लक. थैंक यू सर. बाय. चलो. हाय स्वाति. हाय सुमति जी. हा? आपके लिए फोन है. चाचा जी ये क्या कह रहे हैं? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बेटी, पेपर लिखने नहीं आ सकता बेटी. लेकिन ये तो मेरा पब्लिक एग्जाम है चाचा जी. बेटी प्रिंसिपल जी से बात करके और किसी से लिखवा लो बेटी. ठीक है. कहाँ जा रही हो? अंदर जा रही हूँ, सर से काम था. एग्जाम चल रहा है, नहीं जा सकती. लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं, है. नहीं मैडम ये नहीं हो सकता. जाने दीजिए. जाओ आप. एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, मैं क्या करूं तुम ही बताओ. कॉलेज स्टाफ लिख नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है. एक काम करो, बाहर किसी से पूछ कर देखो, मैं परमिशन दिलवाता हूँ. सर मैं इस कॉलेज में इंटर सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, आज मेरा पब्लिक एग्जाम है सर. सर प्लीज 3 घंटे में आकर मेरा पेपर लिख दीजिए. मुझे कुछ काम नहीं है क्या? ऑफिस का समय हो रहा है, चलो जाओ. सर प्लीज आप तो मेरी मदद कीजिए. बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या आपको? जाओ किसी और से जाकर पूछो. समझ में नहीं आ रहा है आपको? जाओ यहाँ से. सॉरी सुमति, मैं कुछ नहीं कर सकती. मैडम मैडम
इस एनालिसिस को देखकर तो लगता है कि तुम्हें 20 में से 20 मिल जाएंगे। थैंक यू सर। गुड लक। एक मिनट यहीं रुकना, मैं आता हूँ। चलो चलो, देखो देखो। अरे अरे नीचे उतरो। सकता पूछ रहा है अरे क्यों जाते रहे हो? नीचे उतरो। अरे अपने घर कह रहा है। नीचे मत कूदो। मत कूदो। आ जाओ आ जाओ। सुमति चला जाओ। नीचे हो जाओ। नीचे उतरो। मैं हूँ। कूदना मत। आ जाओ आ जाओ। इस तरह जा जाओ। अरे देखो देखो, कहीं मर तो नहीं गई। अरे आओ नीचे आते चलो। कितनी होशियार स्टूडेंट थी, पता है 100 में से 90% तक मार्क्स मिलते थे। बेचारी देखते ही देखते नीचे कूद गई। कितने लोगों की मिन्नतें की इसने, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। क्या सर, लव अफेयर था क्या? वही होगा, कॉलेज स्टूडेंट थी ना। बिना हाथों वाली लड़की को ऐसे देखकर तुझे लव अफेयर लग रहा है क्या? शर्म नहीं आती? एग्जाम लिखने में मदद मांग रही थी, सबके पैर पड़कर मिन्नतें कर रही थी, कोई एक भी आगे नहीं आया, कोई नहीं आया, ऊपर से कमेंट कर रहे हो, इंसान हो तुम लोग? छी, सुबह 9 बजते ऑफिस चले जाना, 6 बजते घर आकर दरवाजे बंद करके टीवी को चिपक जाना, 24 घंटे अपने लिए, अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए 1 मिनट भी सोचा है तुम लोगों ने? कभी नहीं सोचा। सामने वाले की मदद करने के लिए तुम लोगों के पास समय नहीं होता, पर किसी की जान चली जाए तो तमाशा देखने के लिए समय होता है तुम्हारे पास। लानत है जी। एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उसने मरने के बारे में नहीं सोचा, पता है क्यों? हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलने वाले इंसान उसके साथ है इस हिम्मत की वजह से। आज हमने उसके भरोसे का कत्ल किया है अपने ही हाथों से, हम सब ने मिलकर खून किया है उसका। क्या हुआ भाई? और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है, आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए। द नेक्स्ट इवेंट इज 100 मीटर रनिंग रेस फॉर फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन, गिव देम अ बिग हैंड। अम्मा!
चिंता की कोई बात नहीं है, किडनी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ओके जी हाँ सर, थैंक यू। माँ तूने बेटे होने का फर्ज निभाया ना अपनी किडनी देकर। आपको किडनी मैंने नहीं दी माँ। मतलब हाँ माँ, आपके पेट से जन्मे हम दोनों की किडनी आपसे मैच नहीं हुई माँ। कहीं दूर पले बड़े तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला जिसने आपके मुंह से छींछी सुनी थी, उनकी किडनी आपको सूट हुई। सुनिए, मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू मुझे बता, किसी से माफी मांगनी हो तो पंजाबी में क्या कहते हैं? दामाद जी से पूछकर बताना। आजा बेटी। कितना प्यारा है, एकदम इस पर ही गया है ना। हार्ट के बगल में बुलेट है, ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर। ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है। डॉक्टर्स के मेडिकल बुलेटिन के आधार पर स्टालिन की तबीयत अभी काफी खराब है। इसके संबंध में उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बात करते हैं उनकी बहन से। आपका भाई मुजरिम नहीं है, ये बात सीधे सीएम सर ने कही है, आप क्या कहेंगी? मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, प्यास के काटने पर आंखों में से आंसू आते हैं, वहीं अगर नारियल का सर काटो तो ठंडा पानी मिलता है। मेरा भाई भी वैसा ही है, दूसरों की मदद करने की सोच दूसरों के भी होनी चाहिए। ये कह के पहले खुद तीन लोगों की मदद करके उन तीनों को फिर तीन लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है। सभी लोगों की ये आदत बन जाए, इसके लिए उसने एक कोशिश की। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं उसने जानने की भी कोशिश की थी, पर ये नहीं हुआ। अनजाने में ये एक छोटी सी बात आज उसको यहाँ तक ले आई है। मेरे भाई को होश आना चाहिए। भगवान के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए कि उसे होश आ जाए। मैं आप सबसे विनती करती हूँ। चलो हॉस्पिटल जाकर स्टालिन को देखना। सर इस हाल में आपको आराम की जरूरत है सर। अरे मेरे बारे में छोड़ो, तुरंत स्टालिन को देखना है, चलो सर जल्दी। सर मैडम एक मिनट, तीन लोगों के मदद करने की अच्छी सोच जिसने शुरू की वो आपके भाई हैं। हाँ पर वो हुआ तो नहीं ना। नहीं बहन वो हुआ है, आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसका कारण वही है। उनको हॉस्पिटल मैंने अपने ऑटो से ही पहुँचाया है और वो ऑटो मुझे वैसे ही मिला है। हाँ बहन, इस सच को सुनने के लिए मेरे भाई को जीना होगा। उसने लोगों में जागरूकता फैलाई है।
इस समाज को सुधार की सोच रखने वाला आज खुद अपनी मौत के सामने खड़ा है, वो है महान इंसान स्टालिन। नमस्ते सर। स्टालिन कैसा है? ऑपरेशन ऑफ कर दिया है हमें। किस लिए? उनके हार्ट के पास की बुलेट जाकर हार्ट में लग गई है। इस हालत में ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैक्सिमम 10 मिनट ही स्टालिन बच पाएंगे सर। नो डॉक्टर, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। स्टालिन को जीना ही होगा। कहीं भी ले जाइए सर, स्टालिन नहीं बच सकता। सर ऐसे मत बोलिए सर, भाई को कुछ नहीं होगा सर, आप ऑपरेशन कीजिए ना सर। नहीं भाई, 1% चांस नहीं है। सर आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा, भाई को कुछ नहीं होगा, आप ऑपरेशन कीजिए सर। सीएमजी के बोलने पर भी ना ही कहा ना, स्टालिन के बचने का कोई चांस नहीं है। hey! तुम क्या भगवान हो क्या? तुम कहोगे तो मेरे भैया मर जाएंगे क्या? तुम भी एक मामूली इंसान हो, 4 किताबें पढ़ लेने से तुम भगवान बन गए ये कभी मत समझना। वो सिर्फ मेरे भाई का ही दिल नहीं है बल्कि वो इस पूरे देश के 10 करोड़ लोगों के दिल को अपनाने वाला दिल है। तुम ऑपरेशन करो, हमारा भाई जिंदा होगा। ऑपरेशन कीजिए सर, सर हमारे भाई को बचा लीजिए सर, ऑपरेशन कीजिए सर, हमारे भाई को बचा लीजिए सर। बुलेट निकाल ली है, अब कोई खतरा नहीं है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। माँ जी आप जाकर देख सकती हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। बोलकर हिसाब चुकाना चाहते हो क्या? आप भी तो 3 लोगों की मदद कीजिए, फिर उन 3 को 3-3 लोगों की मदद करने को कहिए। भैया आपको क्या लगता है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया है या उस भगवान ने बचाया है? इनमें से कोई भी नहीं है भैया, आपको किसने बचाया पता है? इन लोगों के प्यार ने आपको बचाया है। मैंने जो अच्छा की है उसका फल मिले या ना मिले ऐसा आपने कहा था। देखिए आपके बोए हुए दानों के कितने पौधे आ गए हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल रिपोर्टिंग साहब. कंग्रेचुलेशन मेजर स्टालिन, कंग्रेचुलेशन. इंडियन आर्मी में आपका स्थान वैसा ही है. सर, देश को बचाने के लिए तो आप जैसे काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सर, पर हम सबके अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए हमारे भाई जैसा कोई नहीं है सर. हमारे भाई की हमें जरूरत है, उनको यही हमारे बीच ही रहने दीजिए सर.